उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की धूम पूरे भारत वर्ष में है। साथ ही संपूर्ण भारत का प्रत्येक नागरिक श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस श्रृंखला के चलते बुधवार की मध्यरात्रि को जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी जन्म उत्सव मनाया गया और मध्यरात्रि के 2 बजे मंगला आरती भी की गई। कोविड-19 महामारी के चलते मंदिर के द्वार भक्त जनों के लिए बंद है, लेकिन सेवायत द्वारा विधि विधान से जन्मोत्सव मंदिर प्रणांग में ही मनाया गया। साथ ही प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के बाहर प्रणांग में नंद उत्सव भी मनाया गया, जिसमें बिहारी जी मंदिर के सेवायत मोहन गोस्वामी द्वारा मंदिर के चबूतरे से खड़े होकर श्रद्धालुओं में खेल खिलौने बांसुरी बॉल आदि लुटाए गए। भक्तजनों ने बड़ी ही खुशी के साथ इसका आनंद लिया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष नंद उत्सव मंदिर प्रणांग के भीतर मनाया जाता था, लेकिन कोविड-19 के चलते इस वर्ष मोहन गोस्वामी सेवायत द्वारा मंदिर प्रणांग के बाहर मनाया गया, जिससे कि श्रद्धालु की आस्था में कमी ना आए। इस बारे में जानकारी देते हुए मोहन गोस्वामी ने बताया कि श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर श्रद्धालु की आस्था में कोई कमी नहीं आई। सरकार द्वारा कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यह पर्व मनाया गया है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। हाँ जी गोस्वामी जी बताएं आज क्या कार्यक्रम है। आज अपने कल कृष्ण जन्माष्टमी, कल जन्म कृष्ण जन्माष्टमी थी, आज नंदोत्सव होना था, लेकिन क्योंकि कोरोना और मंदिर में कार्य निर्माण कार्य होने की वजह से मंदिर बंद है अभी आम पब्लिक के लिए। तो मन में ये आया कि अगर पब्लिक नहीं है या भीड़ नहीं आ रही है या बिहारी जी के भक्त नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम जो बिहारी जी का अपना उत्सव है नंदोत्सव, तो वो तो बनाया जाए। तो उसी की बात को मन में लेके आज ये नंदोत्सव बनाया गया है। और बस ये है कि कदम बना है, लेकिन अब प्रशासन का भी है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए बड़े रूप में तो ना देखे आगे छोटे रूप में किया जाए। हर साल जो मंदिर के अंदर बनाई जाती जन्माष्टमी, आज बाहर मनाने को रही, कैसा लगा? श्रद्धालु थे नहीं थे? श्रद्धालुओं को जब तो मन में कहना है तो मन में है, ये चीज तो है ही है। तो साल में जो जन्माष्टमी का उत्सव साल में एक बार ही आता है, तो उस पीरियड में अगर दर्शनार्थी दर्शन ना करें तो मन में चीज तो आती आती है, लेकिन दर्शनार्थियों को भी पता है कि इस समय थोड़ी सी दिक्कत है, परेशानी है, तो वो भी मंदिर प्रशासन को या सरकारी प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.